पानीपत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं अगर पंचकुला की बात की जाए तो यहां पर एक बिजली कर्मी की काम करते वक्त मौत हुई है। यहां पर भी लापरवाही बात कही जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारियों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत के कबाड़ी रोड पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से रोड से गुजर रहे एक युवक की जान चली गई। बता दें कि 35 साल का सौरभ काम पर जा रहा था तो कबाड़ी रोड पर बिजली के खम्भे में करंट आने से वो उसकी चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गयी। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले कबाड़ी रोड पर मीटर बदलने का काम चल रहा था। काम के दौरान विभाग के कर्मचारियों ने खंभे पर तार ठीक से नहीं लगाई, जिस वजह से खंभे में करंट आ गया। सही होया जो लड़का सड़क की कंपनी जा रहा था, कंपनी में जाते हुए उसको करंट लग गया खंभे से। हाँ जी, लापरवाही है ये बिजली वालों की, मौके पर मौत हो गई बंदे। वही मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वस्त ने बताया कि अगर परिजन मामले में किसी पर लापरवाही के आरोप लगाते हैं तो पुलिस जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठीक करने का काम कर रहे बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। एक कर्मचारी की मौत हो गई, दूसरा कर्मी गंभीर तौर पर झुलस गया जिसे पीजीआई रेफर किया गया। बता दें बिजली ठीक करने का काम करते समय बिजली की सप्लाई बंद की जाती है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। चश्मदीद की माने तो उसने खंभे से आग निकलते हुए आवाजें सुनी थी। सर मैं बाइक से इधर से आ रहा था अपने गोदाम की तरफ। हाँ हाँ। मैं वो जस्ट वहाँ पहुँचा, इतने में देखा धड़ाम धड़ाम आग सी लग रही, धुआं से उठने लग गए। एक हाँ। एक तो बेचारा वहाँ गिर गया जस्ट एक घास में कोने पे, और एक जस्ट वो तार जहाँ कटी है सामने वो एक की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। हाँ। और मैं डर के माले जब धुआं, और मैं जस्ट पीछे भाग गया अपनी बाइक लेके, वापस हो गया मैं डर के माले। अभी भी कांप रहा हूँ देख लो मैं इसके डर से। वहाँ पे धुआं ही धुआं, आग ही आग लग रही थी पूरी। वही जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आखिरकार लापरवाही किसकी है जांच के बाद साफ हो पाएगा। बिजली का ब्रेक डाउन हो गया था, उसको ठीक करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो जाने के एक बंदे के शो करंट लग गया, एक की मौके पर डेथ हो गया, एक को अभी हॉस्पिटल में लेंगे। अभी हर जांच कर रहे हैं सर, बिजली वालों से पता करेंगे उसके बाद बताएंगे। ये तो अब जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर लापरवाही किसकी है जिसका खामियाजा कर्मचारी को जान देकर भुगतना पड़ा। वहीं पानीपत में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। तारा ठाकुर पंचकुला, प्रदीप रेडू पानीपत, खबरें अभी तक।